नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। मैं हूं तरुण फोर। आज हमारे साथ चर्चा में बड़े खास मेहमान मौजूद है, जोगिंदर सिंह, जो पूर्व क्रिकेटर है, अंडर 19 के कोच भी रह चुके हैं, अंडर 19 के कोच के साथ साथ सिलेक्टर भी रह चुके हैं, पूर्व आईपीएल के खिलाड़ी भी है। तो आज हम उनसे फिटनेस को लेकर, क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमें ये बताइए कि आपकी इसमें शुरुआत कैसी हुई क्रिकेट में, क्या बचपन से ही बनना चाहते थे, पूरा इसका पूरा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। तरुण जी, क्या पहले बचपन में जैसे हर बच्चों को खेलने का शौक होता है, तो हमारे, मैं शादीपुर गांव से बिलोंग करता हूं और वहां पे हमारी टीम होती थी, तो बड़े भाई वगैरह ने पूरी टीम बना के खेलना सिखाया। पर धीरे धीरे क्या होता है, खेलते खेलते ना थोड़ी रुचि और जागती जाती है, और जो मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा को लगा कि इसमें थोड़ा टैलेंट है, तो मुझे वो आगे उन्होंने प्रोत्साहित किया खेलने के लिए और क्लब में लेके चले गए। तो धीरे धीरे चलता गया एक सफ़र। सर, बात ये फिटनेस एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आपकी नज़र में क्या लगता है कि फिटनेस के मायने क्या है? फिटनेस तो क्रिकेटर क्या, किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी आम इंसान के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने पीछे अभी कोविड में भी देखा, उसमें सबसे ज़्यादा जोर फिटनेस पे दिया गया कि जो ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि आज कुछ भी हम लगा सकते हैं, पोल्यूशन लगा लो, खाने का वो लगा लो, स्तर इतना अच्छा रहा नहीं, तो हमें अपने आप को मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हर आदमी को करना चाहिए। सर, आपने BCCI लेवल 2 भी पास किया हुआ है, इसके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई कोर्स होता है, कोई भी ये क्या होता है, आदमी को अपडेट रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ें ये मिलती हैं कि अब क्रिकेट जैसे बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, अब क्या क्या नया आ रहा है, हमने कैसे टीम को संभालना है, प्लेयर को कैसे मैनेज करना है हमने, और क्रिकेट में कैसे नए नए स्किल जो आ रहे हैं, हमने उनके बारे में जाना कि भाई और क्या हम बेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। जो मैं पहले था, अब उससे मैं बहुत ज़्यादा चेंज अपने आप को फील करता हूँ वो करने के बाद, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। सर, आपने कहा कि क्रिकेट पूरा चेंज हो रहा है, तो सर 3 फॉर्मेट होते हैं, तो आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? देखिए, फॉर्मेट तो जो बेस्ट स्किल वाइज आपका फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही होती है, क्योंकि उसमें प्लेयर का पूरा कितना टेक्निकली अच्छा है, कितना स्किलफुल है वो, कितना उसमें स्टेमिना है, कितना वो लंबे फेज में टीम को खेल सकता है, तो एक जो पूरी जो प्लेयर की परख वो टेस्ट क्रिकेट से ही हो सकती है। बाकी दोनों फॉर्मेट भी बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में, जैसे आजकल चल रहा है T20 है और 50 ओवर्स है, सारे फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, पर टेस्ट क्रिकेट एक असली मायने में क्रिकेटर के परखने की एक पूरा एक तराशा जाता है उससे। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि अब जो टेस्ट क्रिकेट है वो पहले जैसा नहीं रहा है, ये सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पहले कहा जाता कि टेस्ट को एक अलग मजा आता था, हमारे भारतीयों में आधे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वेस्ट इंडीज के साथ हमारे 2 मैच हो गए, ये भी नहीं पता होगा टेस्ट का जो बदलता है, जो पूरा रूपरेखा है क्रिकेट में, कि T20 जो आ गया, फॉर्मेट आ गया है, और टेस्ट कैसे या वो हट रहा है इसके बारे में, T20 बड़ा फास्ट है और टेस्ट कहीं ना कहीं स्लो तो है ही, 5 दिन तक आपको उसके हिसाब से खेलना पड़ता है, तो इस पर पूरा एक्सप्लेन। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा रोमांचित हो गई है, क्योंकि हम जितने पीछे देखे कुछ सालों में, मैक्सिमम टेस्ट में रिजल्ट आता है जो कि पहले नहीं आता था। बस फर्क क्या आ गया एक छोटा सा, कि आज लाइफ इतनी बिजी हो गई लोगों की, वो 5 दिन निकाल नहीं सकते देखने के लिए, लोगों को कहती है फटाफट एक मुझे रिजल्ट मिल गया, T20 को इसलिए ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पर टेस्ट क्रिकेट अभी रिसेंट में ऐसे सीरीज हुई है, इंडिया का मैच हुए हैं, तो हर टेस्ट के रिजल्ट आते ही हैं, क्योंकि लोगों ने, जो प्लेयर्स अब खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी गेम को इतना अच्छा चेंज किया कि टेस्ट में भी वो सोचते हैं कि हम किसी ना किसी तरह रिजल्ट को लेके आए। अब बारिश भी आई SS के लास्ट टेस्ट में, उसके बाद भी रिजल्ट आया, तो कितना अच्छा, इससे अच्छा रोमांचित और क्या होगा। सर, आप ऑलराउंडर रहे हैं, आपने बैटिंग भी किया है, बॉलिंग भी किया, आपको अच्छे से पता है। सर, एक है ना फास्ट बॉलर होता है, उसको लेकर सवाल है मेरा कि जो फास्ट बॉलर के जो करियर होता है काफ़ी छोटा होता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाता क्योंकि इंजरी होती है, फिटनेस के बहुत सारे इशू हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुमराह है, तो सर एक जो फास्ट बॉलर है वो कैसे कर सकता है अपने आप को फिट करके लंबा करियर, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है BCCI की तरफ से या ICC की तरफ से, कुछ हो रहा है सर? नहीं, देखिए, जो फास्ट बॉलर एक सबसे टफ जॉब है क्रिकेट का, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज़्यादा फिटनेस चाहिए फास्ट बॉलर को चाहिए होती है। और आज के डेट में क्या हो गया, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि फास्ट बॉलर को अपने आप को रिकवर करने का टाइम नहीं लगता, पर इसके लिए BCCI ने बहुत अच्छा किया है। आप पीछे 2-3 साल में देखिए, हमारे फास्ट बॉलर हमेशा रोटेट होकर खेलते हैं, बुमराह इंजर्ड हुआ एक अलग है, कभी भुवनेश खेल रहा है, कभी शमी खेल रहा है, फिर शमी अब रेस्ट पे है तो सिराज खेल रहा है,
तो बीसीसीआई ने बहुत अच्छा किया फास्ट बॉलर को बचाने के लिए कि दो सीरीज खेल के फिर उसको प्रॉपर एक रेस्ट दिया जाता है, उसको एनसीए में ट्रेन किया जाता है, दोबारा से फिजिकल फिटनेस उसका पूरा वही लेवल उसका फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब वर्ल्ड कप के लिए हमारे जितने स्टार बॉलर थे अब रिकवर करके आ रहे हैं, तो बीसीसीआई इसके लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। और जहां तक इंजरी की बात है, फास्ट बॉलर में देखो इंजरी से बचा जा सकता है कि यार थोड़ा सा लंबा खेल लूँ, पर इंजरी आनी एक फास्ट बॉलर के एक नेचुरल एक प्रोसेस है, क्यों आएगी आएगी, क्यों एफर्ट इतना ज़्यादा लगता है बॉलिंग में। और फास्ट बॉलिंग में जितने भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर रहे हैं आज के नहीं पहले भी, एक कपिल देव ऐसे थे जो इंजर्ड नहीं हुए शायद, बाकी ब्रेट ली रहे हैं हमारे, ईशान शर्मा हैं, आशीष नेहरा, सब इंजर्ड हुए हैं क्योंकि रिकवरी टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अब अच्छा है कि उनको टाइम दिया जा रहा है। सर जैसे आज हमारे यूथ है क्रिकेट की तरफ, भारत में हमेशा से ही काफ़ी रहा है युवाओं में जोश, इस पर आप क्या कहेंगे कि एक जो यूथ है वो कैसी डाइट फॉलो करे, कैसी फिटनेस फॉलो करे, इसके लिए जैसे आपकी भी पूरी एकेडमी है, तो इस पर आप मेन बेसिकली युवाओं पर क्या ध्यान देती है उनकी फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर? देखो युवाओं की फिटनेस में आज हम लैग करते हैं कि आजकल एक फास्ट फूड और जो जंक फूड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बच्चे खाने लगे, कि बच्चों को सिर्फ ये गाइड करने की जरूरत है कि हाँ कभी और मन करता है बच्चों का कभी कभी खा सकते हैं, पर जो बेसिक डाइट है अपनी उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, खूब लिक्विड डाइट लेनी चाहिए ऐसे मौसम में खास तौर से। और अपना जो घर का खाना है, जैसे ठंड है तो अपने बाजरा का बहुत अच्छा बताते हैं पहले से, और खूब अपना लिक्विड में खूब पानी इनटेक करें अपना, या उसके साथ जो भी हमारे ग्लूकोज वगैरह है अपनी बॉडी का पूरा रखें, और घर का जितना बना हुआ खाना हम खाएंगे उतना ज़्यादा हम बेटर अपने आप को रख पाएंगे। सर आईपीएल, अगर क्रिकेट की बात हो, आईपीएल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आईपीएल ने युवाओं के लिए कुछ बेनिफिट हुआ आईपीएल आने से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो आईपीएल आने से युवाओं का, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड के युवाओं का बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है कि उसमें वर्ल्ड का जो बेस्ट एक कंपटीशन होता है वो होता है। और आज इंडिया टीम जो इतनी ज़्यादा इतने प्लेयर ग्रूम कर गए, आज दो दो टीम हमारी एक साथ खेल सकते हैं, इतने प्लेयर होंगे सिर्फ आईपीएल की देन है, क्योंकि एक बच्चा जैसे खेल के आ रहा है 19 खेल के आ रहा है, उसको आईपीएल में चांस मिलता है, रणजी में परफॉर्मेंस करके आईपीएल में चांस मिलता है, वो स्टेट अवे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स को फेस करता है, अगर वो बैट्समैन है, अगर वो बॉलर है तो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है उनको बॉलिंग करता है, तो उसको इतना सीखने का मौका मिलता है कि आगे जाके उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो पहले ऐसा होता था भाई, हमारे जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी, एक प्लेयर वहाँ खेल रहा है, इंडिया में ही वो बॉलिंग कर रहा है, उसको वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला तो उसको वहाँ दिक्कतें आती थी, या उसको फास्ट बॉलर खेलने का मौका नहीं मिला, इंडिया में 130 खेल रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वेस्ट इंडीज 150 खेलते थे, आज वही चीज़ उसको इंडिया में मिल रही है और एक इतने अच्छे कंपटीशन में मिल रही है, तो इससे इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेयर ने आईपीएल से ही कमबैक किया है, बहुत इतने बड़े बड़े नाम है, तो इसका बहुत फायदा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं, दिनेश कार्तिक का कह सकते हैं कि पिछले दिनेश कार्तिक, शेन वॉटसन बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छा रहा। सर जैसे तीन फॉर्मेट होते हैं, वनडे, T20 और टेस्ट मैच, तीनों की आजकल आप देखते होंगे भारत में अलग टीम बनती है। टेस्ट में जैसे रहाणे खेलता है, पुजारा खेलते हैं, और जैसे वनडे की टीम होती है उसमें अलग जाते हैं, तो सर ये, और पहले क्या होता था, आज से 5-10 साल पहले अगर देखा जाए तो अलग अलग टीमें नहीं होती थी, एक ही टीम जाती थी, हरभजन और जाहिर खान बॉलर उसमें वनडे में भी है, टेस्ट में भी है, वही सचिन सहवाग ओपनर है, वही मिडल ऑर्डर है, वही सब कुछ है, तो उस पर क्या कहेंगे कि अब वाला ठीक है, पहले वाला ठीक था, ये जो फॉर्मेट किस उससे बनाया गया है? देखिए तरुण जी, वक्त के साथ साथ ना हर चीज़ चेंज होती है। पहले क्या होता था कि एक तो इंडिया पे इतने ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं होती थी, अगर मेरे पास पिक करने की है, मुझे लगता है टेस्ट में मेरे लिए ये बेटर, पुजारा हमारा बेस्ट प्लेयर था, कर सकता है, और हमारे पास वनडे में उसके साथ सूर्य कुमार यादव आया था, तो अनडाउटली कोई भी वनडे के लिए सूर्य कुमार यादव को पिक करेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पास इतनी सारी चॉइस आ गई, हम T20 में अलग खिला सकते हैं, वनडे में अलग और टेस्ट में अलग, और ऐसा नहीं है सारे प्लेयर चेंज होते हैं, कुछ ही प्लेयर चेंज होते हैं उसमें, बाकी जो 8-10 प्लेयर जो होते हैं 12, वो सब सेम ही रहते हैं तीनों फॉर्मेट में, पर वो हमारे लिए पिक आए थे कि हाँ यार ये स्किल वाइज T20 है बहुत अच्छा हमारे परफॉर्म। एक्चुअली में बेसिकली हम जब भी खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, किसी भी टीम के लिए, हमारा सबसे पहला एक जो हमारी सोच होती है, टीम हम कैसे जीते, या एज ए कोच वो कहेगा हमें टीम कैसे मैं जिताऊँ इसको मैं, तो अपने जो बेस्ट प्लेयर उस सिचुएशन के लिए होंगे हम उसको ही पिक करेंगे। तो इसका पूरा फॉर्मेट इन्होंने इस तरीके से तैयार किया है। सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो फॉर्मेट है, अभी जैसे इंडिया जब इतने बड़े टूर्नामेंट में हार गई थी, तो सर इसके पूरे के क्या कारण रहे थे, क्या भूमिका रही थी, जैसे कि इसमें विवाद भी होता, अश्विन को लेके हुआ था कि अश्विन को नहीं खिलाया और इसको इसकी जगह शार्दुल ठाकुर को जगह दी गई,
तो ये कहीं ना कहीं रहता है। अगर मैंने आपकी बात मान ली कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे पास हर फॉर्मेट में रहेगा, राणी रहेगा, राणी की जगह फिर सूर्य कुमार यादव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फिर भी आती है, तो इसके लिए कोई मास्टर प्लान कर रहा है बीसीसीआई? देखिए बीसीसीआई बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब प्लेयरों को अच्छे से मैनेज करना, खिलाना। और तरुण जी देखो, जब सक्सेस होती है तो हर चीज़ बेस्ट होती है। आप कोई डिसीजन ले लो वो आपका बेस्ट माना जाएगा। और जब कहीं ना कहीं फेलियर, और देखो स्पोर्ट्स में सक्सेस फेलियर साथ चलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम हर जगह हम जीते ही जीते। इंडिया ने एक अचीव किया, लगातार 2 साल फाइनल खेला, ये भी तो एक अचीवमेंट है। कोई बात नहीं, फाइनल हम हार गए, और डिसीजन जब हम हार जाते हैं तो उसके बाद तो उस पर डिस्कशन होना भी चाहिए, ऐसा बुराई भी इतनी है कि हम काश ये करते तो अच्छा हो जाता, पर ये हमेशा चलता है और चलता रहेगा। उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से जो टीम मैनेजमेंट को बेस्ट लगा होगा, कंडीशन, विकेट्स, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन लिया होगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम एक फिटनेस को लेकर पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, तो सर एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लोगों को अपनी लाइफ में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और कैसे एक इंसान फिट रह सकता है, इसके लिए थोड़ा सा मतलब मार्गदर्शन करिए। देखिए फिट रहना आज के डेट में बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बोला है, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए 1-1.5 घंटा निकालिए, दिन में बहुत होता है वो, और वो हर आदमी आराम से निकाल सकता है। और फिट रहेंगे अपने आप को अच्छा लगेगा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, हम दिखने में अच्छे लगेंगे, हम 10 चीज़ें में एक्टिवनेस हमारी ज़्यादा रहेगी। और आजकल अवेयरनेस बहुत आई है फिटनेस में, ऐसा नहीं है, हर आदमी अब फिट रहने की कोशिश करता है और मैक्सिमम लोग रहते भी हैं। और उसके लिए सिंपल चीज़ें हैं, अपना अच्छा खाना खाइए, खूब लिक्विड लीजिए अपनी, जो बॉडी में पानी कमी ना हो इस मौसम में खास तौर से, और थोड़ा व्यायाम 1 घंटा तो कर सकते हैं। हाँ सर, 1 घंटा तो अपने बॉडी के लिए देना चाहिए। सर वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप एक हर कंट्री पूरी जान लगा देगी, तो इस पर आप कैसे देखते हैं कि भारत की जो टीम है, जो हमारे प्लेयर है, आप 11 जो प्लेयर है उसमें किसे जगह देना चाहेंगे? सर वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा एक इवेंट होता है और हर एक प्लेयर का सपना होता है कि वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और वर्ल्ड कप जीते। और अभी जो हमारी जो बेस्ट 11 जो खेल रही है, तो उसमें मुझे जो लगता है अपनी, और इसमें सबकी राय अलग भी हो सकती हैं, जो मेरा पर्सनल एक मानना है, उसमें एक्सपीरियंस के साथ हमारा जो यंग टैलेंट है मिक्सअप होना चाहिए। जैसे रोहित हमारे कैप्टन है ही, साथ में शुभमन गिल एक यंग आगे, ठीक है, फिर विराट कोहली लेजेंड बैट्समैन है, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं वो, उसका सूर्य कुमार यादव जिन्होंने हाल ही में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है, फिर हार्दिक पांड्या जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभर के आए हैं, और विकेट कीपर अभी ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, ऋषभ पंत बहुत अच्छा किया उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, तो अब ईशान किशन, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बदले वो ईशान किशन हो। उसके बाद जडेजा है ऑलराउंडर हमारे, और अश्विन को भी मैं जगह देनी चाहूँ, क्योंकि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, अश्विन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, और इंडिया की विकेट्स पे स्पिनर्स का हमेशा से एक दबदबा रहा है कि भाई स्पिनर अच्छा कर सकते हैं, और अश्विन में इतना एक्सपीरियंस है कि वो अपना बेस्ट दे सके कंट्री के लिए। उसके बाद मैं चाहूँगा फास्ट बॉलर 2 खेले, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक हमारे पास है ही जो बॉल डालते हैं, तो उसमें एक बुमराह, शमी और सिराज, इनमें से 2 जने खेलें, और एक साथ में एक चहल, एक वैरायटी और हो जाएगी, क्योंकि लेग स्पिनर हो जाएगा, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। और सर ये तो आपकी 11 हो गई, देखते हैं भारत इसलिए जीते वर्ल्ड कप इस बार। सर आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर की बात की जाए तो कौन है? ऑल टाइम तो भाई सबके सचिन सर ही होते हैं, वो सभी के होते हैं, और उन्होंने वर्ल्ड में दिखाया भी, हर कंडीशंस में बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की, और कोई भी कंडीशन है बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने अपना बेस्ट अपना खेल दिखाया। तो ये थे मेरे साथ जोगिंदर सिंह, जिन्होंने बताया कि क्रिकेट का बदलता स्वरूप, कैसे क्रिकेट पूरी तरह से बदल रहा है, कैसी नई नई चीज़ें उसमें शामिल हो रही है, और आप कैसे फिट हो रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करके। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।